राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना देसी खाना, जो आपने कई बार देखा होगा मैं ऐसे ही बनाती रहती हूँ। लेकिन आज मेरा ब्लॉग जो टॉपिक है वो इस पे ही है, हमारे देसी खाने पे, जिसके सामने मैं नहीं मानती शाही पनीर, मटर पनीर, ये सब कुछ मायने रखती। कभी कभी हमारा मन होता है कि हम कुछ अच्छा खाएं, कुछ ऐसा खाएं जिससे हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाए, हम अच्छा लगा खाने में। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, अगर मटर पनीर भी होती है ना तो कभी कभी मुझे उस चीज़ उस खाने में वो टेस्ट नहीं आता जो अपने देसी खाने में टेस्ट आता है। तो आज वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बनाऊँगी, दिखाऊँगी एंड खाऊँगी। आप सब ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो। तो जुड़े रहे मेरी वीडियो में, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या बनाने वाली हूँ, वो आपको जरूर दिखाऊंगी वीडियो में। Thank you.
में देखा, मैंने चूल्हे पर रोटी बनाई थी, चटनी बनाई थी और चाय में पुदीना भी डाला था। दो तरह की चाय थी, एक बिना पुदीने की और एक पुदीने की, और मेरी चटनी भी थी पुदीने की। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी चल रही है, पुदीना ठंडा भी होता है, गर्मियों में खासकर बहुत अच्छा लगता है। उसकी तो मुझे खुशबू इतनी पसंद है, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और भाई सच बताना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर कमेंट करना कि किस किस को मेरी तरह ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे तो सच में, जहाँ मुझे लगता है ना कि मैं सब्जी से दो रोटी खाऊंगी तो चटनी से तीन रोटी खाती हूँ। और कभी कभी तो सच में टेस्ट में ऐसे होता है कि जल्दी, मतलब बनाते टाइम जब होता है कि मुझे किस का खाना हो गया, मैं अपने लिए अलग बनाती हूँ, और जब भी बनाती हूँ बना के तुरंत जब भी खाती हूँ तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। चटनी और चटनी पे घी और चाय अलग अलग पसंद होती है सबकी। मेरे हस्बैंड को पुदीना डाल के चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी हमारे घर में मम्मी को और मुझे फीकी चाय पसंद है, पापा को भी। और होता है मतलब इनको ही धुआर के चाय, जैसे कि मतलब उसमें जीरा डाल दिया और नमक मिर्च डाल दी, पुदीना भी डालने के बाद में धुआर नहीं लगती, वरना उसमें मतलब अंगारी लो, अंगारी लेके तेल डाल दो थोड़ा सा और उसे ढक दो, उसकी महक भी बहुत अच्छी आती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं मानती हूँ कि हमारा स्पेशल देसी खाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच बताना किस किस का मन हुआ देख के चटनी के साथ खाना खाने का। कभी कभी तो ऐसे होता है कि मतलब कितनी अच्छी सब्ज़ी सामने रखी हो लेकिन मेरा मन नहीं होता उस सब्ज़ी से खाना खाने का। तो स्पेशली दो दिन से मेरा व्रत था, आज मेरा मतलब परसों भी व्रत था और कल भी व्रत था, तो मैं फिर दो दिन से खाना नहीं खाया। लेकिन आज मेरा सिर्फ मन हुआ क्या खाने का, चटनी चाय के साथ में रोटी खाने का, और किसी चीज़ का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। इसलिए स्पेशली बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सब रिलेटिव और ग्रुप में, और अपने व्हाट्सअप इंस्टा जहाँ भी हो आप एक्टिव, वहाँ पे सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करें। तो प्लीज़ बाय बाय।